रहेगा, और ये भी आप बगैर कुछ समझे कर सकते हो। सभी के बच्चे सब आइए जरा। हाँ भाई, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जो गिवन है उससे लिख दीजिए। कोई बच्चा जो बिल्कुल अपने आप को डर लगता हो, मत करे तो वो बता सकता है। कोई बच्चा है ऐसा जो ये कहे कि सर मैं ट्राई करता हूँ? यस, हाँ जी, कोई बच्चा है जो कहेगा कि सर मैं ट्राई करूं? सर मैं कर रहा हूँ। बताइए। अरूप, आप बताएं बेटा। अरूप यस सर। बताइए बेटा। सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ आंसर में। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंट ना वो ट्राई करे। कब बताओ, शाबाश, कोई बात नहीं। मैं पहले हम एल और बी ले सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ, और फिर यस फर्स्ट केस में। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, आओ देखो, रफी करते हैं, रफी करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ। बेटा ये मेरा रेक्टेंगल, हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप ये देखा करो क्वेश्चन किसके बारे में, रेक्टेंगल। अगर इट इज अबाउट रेक्टेंगल देन आपको उसकी एरिया की बात कर रहा है, तो मेरा लेंथ होता है, मेरे पास ब्रेथ होता है, तो फिर एरिया भी होता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे दो चीजें कंसिडर कर रहे हैं तो तीसरी अपने आप मालूम है। तो मैं रफ ले रहा हूँ, बिल्कुल रफ, आप सब बच्चों के लिए। जस्ट सपोज, जैसा बच्ची ने कहा हमारी रूप ने कि सर लेंथ को हम सिंपली अगर एल ही ले लें और ब्रेथ को हम सीधा सीधा सा बी ही ले लें, तो हमारे पास एरिया भी आ गया और एरिया हो गया एल इंटू बी। नाउ रीड वर्ड बाय वर्ड, सिंपल। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अरूप बताओ बेटे, इसका मतलब क्या हुआ? नाउ एरिया इज बिकम लेस। LB माइनस 9। ऑब्वियसली बेटे, शाबाश। केस वन, हमें सिर्फ इतना ही मिला है कि इफ माई एरिया वॉज एल बी बट नाउ इट बिकम्स एल बी माइनस 9। सब बच्चों को ये समझ आई या नहीं आई? ठीक है बेटे, अगर आपका पहला एरिया 100 स्क्वायर यूनिट था बट नाउ इट डिक्रीज बाई 9 स्क्वायर यूनिट, तो 100 में से माइनस 9 कर दीजिए। लेकिन ये कब होगा? एरिया में चेंजेस कब आएगा? व्हेन यू हैव टू चेंज योर डाइमेंशंस। तो उसने मेंशन किया है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? L माइनस 5। यस, शाबाश। तो लेंथ आपका न्यू लेंथ हो गया L माइनस 5, बट देयर इज आल्सो चेंज इन ब्रेथ एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, व्हाट इज द मीनिंग? B प्लस 3। यस, B प्लस 3। Yes, B plus 3. तो ये आपने लिख लिया है, ठीक है? बट बेटे अब जरा सब बच्चे जरा प्लीज ध्यान से देखो। आपने कहा कि न्यू लेंथ, सपोज न्यू लेंथ बिकम्स L माइनस 5 एंड ब्रेथ बिकम B प्लस 3, अवर एरिया बिकम्स एल बी माइनस 9। बट अब आपको ये सोचना है, इज देयर एनी रिलेशनशिप अमंग दीज थ्री? लेंथ, ब्रेथ और एरिया में क्या कोई रिश्तेदारी होती है? L into B. L into B is equals to area, yes or no? Yes sir. Yes sir. तो simple बेटे यही करना है, L minus 5 into B plus 3 is equals to LB minus 9. सब बच्चे बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes sir. अब अगर आप बेटे मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल इक्वेशन आएगी, L into B plus 3L minus 5B minus 15 LB minus 9. तो आप चेक करेंगे बेटे, एलबी एलबी कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट द सिंपल लीनियर इक्वेशन 3L माइनस 5B, 15 इस साइड आगे प्लस हो जाएगा बेटे, 15 माइनस 9 इज 6। ऑल ऑफ यू, कुछ समझ में आया? यस सर। सब बच्चों को
बहुत सिंपल है. और इन एरिया वाले क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम 6 to 8 क्वेश्चन है बेटे, सिर्फ इसी पे ही, एरिया ट्राइंगल रेक्टेंगल पे. अब कौन सा मेरा बच्चा बताएगा सेकंड वाली कंडीशन? सेकंड वाली कंडीशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 units, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एल प्लस थ्री. यस, वेरी गुड. एल प्लस थ्री, मैं यही पे लिख दे रहा हूँ फिलहाल तो, जस्ट ए सेकंड, मैं यही लिख दे रहा हूँ जिससे हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए. हमारा जो न्यू आपका जो लेंथ हो गया बेटे, वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, now it becomes l plus 3, yes or no? Yes sir. Achha. And breadth units, increase or decrease? Sir, increase. Just two. In same continuity mein hamare paas aa raha hai, to breadth is increased by 2 units, so now breadth becomes b plus 2. By these changes area mein kya change aaya hai? The area increased by 67. So kya ho jayega ye? LB plus 67. Yes, LB plus 67. Again, bete, relationship remains same. Length and breadth is equals to area. Sab bachcho ko samajh mein aaya? Ha bhai. Yes sir. Multiply karo bete. Yahi kar lete hain isko bhi. LB bete plus 2L B plus 6 is equals to LB plus 67. LB, LB with a cancel. So 2L plus 3B is 61. Simple. 2L plus 3B is 61. ये हमारी equation 2 है. सब बच्चे को बताओ जरा, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये हमारे पास है. Equation solve कर सकते हैं सबके सब? Yes sir. आपके पास क्या है? 2L minus 5B is equals to 6 and 2L minus, that is 3B. 2L plus 3B is equals to 61. ये मेरे पास. ठीक है जी, समझ में आ गया? स्टेटमेंट लिख लेंगे. Yes, sir. Let the length be x. अगर x y में लिखना चाहते हैं, breadth is y, so area is xy. आप चाहें तो direct mention करेंगे, आप चाहें तो लिखेंगे steps. हमारे पास क्या था पहले, उसमें length को उसने decrease किया था x minus 5, breadth को increase किया था y plus 3, तो area आपका reduce हो गया था. x minus 5, y plus 3, area minus 9, that was my equation. So xy plus 3x minus 5y minus 15 is xy minus 9. So 3x minus 5y is equals to 6. Yeah, hamare paas pehli equation aayi thi. And case 2, mein increase tha, length mein bhi aur breadth mein bhi, length increase by 3, breadth increase by 2, into y plus 2 is equals to 67 increase hua tha area. So now equation is xy plus 2x plus 3y plus 6 xy plus 67. So aapke paas kitna aa gaya? 2x 3y 66. That's it. ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं सब बच्चे? सर 61 माइनस, यस गुड, थैंक यू. ये बस देखो सर, एक क्वेश्चन और देखो क्या है. ये तो ठीक है, बस हम बस दो क्वेश्चन रह गए हैं एक तरह से. अब ये मैं आपको इसको आज ही बताऊं, बाद में बताऊं? बाद में नहीं बताऊंगा मैं, फालतू की बात. थक जाते हो 15 मिनट पढ़ के आप बच्चे? अच्छा बताओ, कुछ फायदा हो रहा है डेली क्लासेस से? यस सर, पहले से बेहतर है. हाँ भाई, सब बच्चे बटालियन ये वही करते हैं 3 दिन? नो सर, ये ज्यादा बेहतर है सर, ये ज्यादा बढ़िया है. अच्छा लग रहा है, चलो माशाल्लाह. सारे बच्चे तो बोलते नहीं, सब तो ऐसे कहते हैं सर, तो आप मतलब. हाँ भाई
चलो एक क्वेश्चन मजाक वाला लेते हैं, ठीक है, संगे मित्रा के लिए एक क्वेश्चन स्पेशल मजाक वाला, 5 मिनट है मेरे पास। हाँ ऐसे मत बोला करिए, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है मजाक वाले क्वेश्चन से। अच्छा देखो कितना मजाक वाला क्वेश्चन है, एक लाइन भी पूरी नहीं हुई है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज थ्राइस ऑफ एंगल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी, ठीक है,